9.4 प्रभावी सृजनात्मक लेखन। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर ही देने होते हैं। जो प्रश्न पाठ्य सामग्री पर आधारित है उनके उत्तरों की आपने तैयारी की होती है और अभ्यास भी, इसलिए वहां आप प्रश्न के अनुसार तथ्य या विचार को स्मरण कर उसे क्रमिक रूप में शुद्ध भाषा में लिख देते हैं। किंतु पत्र, भाव पल्लवन और निबंध लिखने में आपकी मौलिकता की भी परख होती है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विषय के अनुसार अपने विचारों को क्रम से प्रस्तुत करें, अर्थात आपके विचारों में भी सरलता हो और वाक्यों में भी। मान लीजिए आप कोई यात्रा विवरण लिख रहे हैं, तो उसमें क्रम होगा यात्रा की प्रेरणा, स्थान, कैसे गए, विशेष घटना आदि। इन्हें आप क्रम से अलग अलग अनुच्छेदों में व्यक्त करेंगे और एक अनुच्छेद में जिस विचार पर लिख रहे हैं उसके वाक्य भी परस्पर जुड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि आप यात्रा का प्रारंभ लिख रहे थे और अचानक गंतव्य स्थान में खरीदी किसी चीज के बारे में बताने लगे और फिर सहयात्रियों के बारे में। भाव पल्लवन में भी आप चुने हुए विषय में अपने भावों का विस्तार करते हुए क्रमिकता और तारतम्यता का ध्यान रखेंगे। पल्लवन का अर्थ अनावश्यक विस्तार नहीं है, न आप अप्रासंगिक बात लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसा करेंगे तो लेखन प्रभावी नहीं बनेगा। पत्र में, विशेषकर घरेलू पत्रों में, निजता एक प्रधान गुण होता है, इसलिए व्यक्तिगत स्नेह लगाव का वाक्य प्रसंगानुसार ठीक बैठता हो तो देना चाहिए। जैसे, माँ, जब से तुम गई हो पढ़ाई में मन नहीं लगता, तुम्हारी याद आती है। पिताजी, आप मुंबई से मेरे लिए क्या लेकर आएंगे आदि। प्रभावी लेखन वह है जिसमें शब्दों का प्रयोग सटीक और वाक्यों की बनावट सुगठित होती है, आपको लिखने में आसान हो और पढ़ने वाले को समझना आसान। विचार क्रम से रखें जिससे उसे पढ़ने में आपका मन लगे। 9.5 सरल लेखन प्रभावी लेखन। निश्चित रूप से आपने पाया होगा कि पहला अनुच्छेद पढ़ने में अधिक आसान और शीघ्र ही समझ में आने वाला है। वह सरलता से समझ में नहीं आता, परंतु व्याकरणिक दृष्टि से पूर्णतः शुद्ध है। लेखन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे मन में जो भाव या विचार हो वे बिल्कुल स्पष्ट हो। उन्हें व्यक्त करने के लिए हमें प्रतीकों, मुहावरों और कहावतों का प्रयोग करना होता है। लेकिन हमारी बात दूसरे को तभी समझ में आएगी जब पढ़ने वाला भी उन प्रतीकों या मुहावरों को समझता हो और हम भी उसका ठीक ठीक प्रयोग करें। जैसे यदि आप लिखे कि राम दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया, तो इसे सभी पाठक समझ लेंगे। वे दौड़ने की क्रिया आंखों से देखते हैं, इसलिए अनुमान लगा सकते हैं कि राम किस तरह से या किस तेजी से गया होगा। इस तरह आप पाठक को एक जानकारी देते हैं। लेकिन इसकी जगह यदि आप लिखते हैं कि राम तीर की तरह डॉक्टर के पास गया, तो राम के तेज दौड़ने के बारे में अपनी राय बता रहे हैं। मान लीजिए आपने दूसरी मुहावरे का प्रयोग किया, राम आंधी की तरह डॉक्टर के पास गया। यह मुहावरा सटीक नहीं है, क्योंकि पाठक को भ्रम हो सकता है कि राम ने डॉक्टर के यहाँ जाकर अव्यवस्था फैला दी। जैसे आंधी आती है और चीजों को अव्यवस्थित या अस्त व्यस्त कर देती है। इन सभी बातों का तात्पर्य है कि भावों और विचारों को व्यक्त करते समय अधिक सावधानी बरतनी जरूरी होती है। अब तक आप जान चुके हैं कि कुछ भी लिखने से पहले आपके मन में कोई बात या विचार आता है, उसे व्यक्त करने के लिए आप शब्द चुनते हैं। जब एक या दो शब्दों से वह बात व्यक्त नहीं हो पाती, तब आप उन शब्दों के सहारे ऐसा वाक्य बनाते हैं जिससे पाठक आपकी बात ठीक ठाक समझ ले। जैसे
आपको अपना नाम बताना है तो आप लिखते हैं कि मेरा नाम रामचंद्र है। लेकिन एक वाक्य में बात पूरी नहीं हो तो आपको कई वाक्य बनाने होंगे। सारे वाक्य आपसे संबंधित होंगे। यदि ये वाक्य सिलसिलेवार बनाए जाए तो कई वाक्यों को मिलाकर एक अनुच्छेद या पैरा बन जाता है। अच्छे लेखन का तकाजा है कि आपके वाक्य क्रमवार और छोटे छोटे हो। जैसे आप लिखे कि मैं राधोपुर में रहता हूँ, मेरे पिता का नाम श्री शंकर दास है, मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है, मेरी माता जी प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है, मेरा नाम रामचंद्र है। यहाँ सभी वाक्य ठीक है, लेकिन इन्हें सिलसिलेवार ढंग से नहीं रखा गया है, इसलिए सुगठित और सरल वाक्यों के बावजूद पूरा अनुच्छेद प्रभावशाली नहीं लगता है, वह अनगढ़ और अटपटा लगता है। इसे यो लिखना बेहतर होगा, मेरा नाम रामचंद्र दास है, मेरे पिता का नाम श्री शंकर दास है, मैं राधोपुर का रहने वाला हूँ, मैंने 10वीं तक पढ़ाई की है, मेरी माँ प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका है। यह अनुच्छेद का स्वाभाविक विकास है, इसलिए बेहतर और प्रभावशाली लगता है। जब एक अनुच्छेद में आपकी बात पूरी नहीं होती है तो आप दूसरे और फिर तीसरे अनुच्छेद की रचना करते हैं। जैसे परिचय के बाद आपको अपने शौक या हॉबी के बारे में भी बताना हो, इसके बाद आपको अपनी इच्छा या कार्य क्षेत्र के बारे में बताना हो, इस तरह कई अनुच्छेद मिलकर एक निबंध बन जाता है। लेकिन हर अनुच्छेद अलग अलग किसी एक पक्ष या विषय पर केंद्रित होता है। ये विषय मूल विषय के ही अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे अपने बारे में ही लिखना हो तो पहले परिचय, फिर हॉबी या कैरियर की जानकारी देनी आवश्यक होगी। यदि शिक्षा वाले अनुच्छेद में परिवार की बात और कैरियर वाले अनुच्छेद में गांव की चर्चा करेंगे तो आपका आलेख अरुचिकर और अटपटा हो जाएगा। 9.6 आपने क्या सीखा? 1. सबसे पहले अपनी बात व्यक्त करने के लिए हम सही शब्द की तलाश करते हैं। 2. जब सिर्फ शब्दों से काम नहीं चलता तो अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए हम वाक्य गढ़ते हैं। 3. जब हमारी बात एक वाक्य में पूरी नहीं होती तो हम अनुच्छेद या पैरा बनाते हैं। 4. जब एक अनुच्छेद में भी हमारी बात पूरी नहीं समाती तो हम कई अनुच्छेद वाला निबंध या आलेख तैयार करते हैं। 5. लेखन के समय हम विषय का ध्यान रखते हैं। 6. प्रयोजन और पाठक का भी ध्यान रखते हैं, अर्थात क्यों लिख रहे हैं और पढ़ने वाला कौन है, इस बात का ध्यान अवश्य रखना आवश्यक है। 7. हम यह भी ध्यान रखते हैं कि बातें उपयुक्त क्रम से रखी जाए और एक अनुच्छेद की बात दूसरे अनुच्छेद में गड़बड़ न हो या उनका दोहराव न हो। अच्छे लेखन के लिए हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या किसके लिए लिख रहे हैं। लिखते समय ध्यान में रहे कि आप क्यों लिख रहे हैं, लेखन विषय के अनुरूप है अथवा नहीं, तथ्यों का क्रम ठीक है अथवा नहीं, आपके शब्दों का चुनाव और प्रयोग सटीक है अथवा नहीं, आपकी भाषा शुद्ध है अथवा नहीं, विराम चिन्हों का प्रयोग ठीक ढंग से हुआ है अथवा नहीं।